नमस्कार। योग की बात हो और सूर्य नमस्कार की बात ना हो तो ये एक अधूरा सा लगता है। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, इसे बड़े बच्चे सभी उम्र के लोग कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में भी लिया जाता है। इसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे वेरिएशंस हैं और सूर्य नमस्कार की 12 अलग अलग स्थितियाँ शरीर के हर एक अंग को एक्सरसाइज तो देती है, मालिश देती है और साथ में मांसपेशियों को लचीला करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। आज मैं आपको बता रही हूँ सूर्य नमस्कार, उसे डिटेल में आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे उसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार चालू करने के लिए सबसे पहले आप मेट अपने आसन के अग्रभाग पे आगे वाले हिस्से पर आ जाएं। अब दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं, प्रणाम आसन, लंबा श्वास भरें और ध्यान अपनी श्वास पर, अपने शरीर पर रखें। दूसरा आसन, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हस्त उत्तान आसन, श्वास भरते हुए कमर से पीछे जाएं। अब इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार कम अथवा ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं जा सकते हैं तो जितना आप जा सके उतना ही जाएं। और अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो ज़्यादा भी जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि दोनों हाथों को अपने कान से लगा के रखें सीधे, गर्दन और हाथ दोनों एक सीध में रहे, न गर्दन पीछे न हाथ पीछे, ये दोनों स्थितियां नहीं बनानी है, पूरा एक साथ। दोनों हाथों को धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हुए नीचे लाएं, पाद हस्तासन, और दोनों हाथों को जमीन पर लगाएं और धीरे धीरे अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अगर आप इतना नहीं जा पाते हैं तो आप जितना जा पाते हैं आप उतना ही जाएं। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए ही करें। अगर आप इतना जा रहे हैं तो इतना ही जाएं। अपने हाथों को ऐसे पीछे से पकड़ते हुए अपने शरीर को अंदर की तरफ खींचते हुए ऐसे भी ला सकते हैं। आप यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक ले जाएं, और आप इतना ही जा पा रहे हैं। अगर आपको कमर में तकलीफ़ है तो आप ज़्यादा ना झुकें, इतना ही झुक पा रहे हैं तो इतना ही झुकें। पूर्ण स्थिति है इस तरह। यहाँ पर आपको श्वास छोड़ के रखना है, फिर श्वास भरें और दाहिना पैर पीछे। अब घुटना जो पीछे वाले पैर का है वो जमीन से उठा हुआ रहे और गर्दन सामने की तरफ कुछ उठी हुई, इस तरह। अश्व संचालन आसन भी कहते हैं इसको, एक पाद प्रसार आसन, दोनों ही नाम है। अगर आपका पैरों में तकलीफ है तो आप घुटने को इस तरह से नीचे रखते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लें, अश्व संचालन। और आप कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी करें। ये ध्यान रहे कि आगे से पैर का आपको 90 का एंगल बनाना है। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे समान रूप से रखें, दंडासन, और गर्दन को सामने की तरफ। अब पूरा भार आपका कंधों की तरफ रहे और पूरा शरीर एक सीध में रहे, तो समय इस स्थिति में बने रहें। अगर आप इस स्थिति में नहीं रह सकते हैं तो आप पर्वतासन में भी बना सकते हैं इस तरह। ये स्थिति भी आप बना सकते हैं। ये दोनों ही स्थितियां चलन में हैं। उसके बाद अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए दोनों हाथों के बीच में अपने हृदय स्थल को लगाएं, सीने को लगाएं और अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। यहाँ पर श्वास को रोक के रखें। इसमें ये ध्यान रखें कि अपना कमर का हिस्सा, हिप्स का हिस्सा जो है वो ऊपर उठा हुआ रहे, पेट जमीन से ना लगे।
अब पूरा शरीर नीचे ढीला छोड़ते हुए श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने सीने को ऊपर उठाएं, भुजंगासन। अब अपने इसमें ये बात ध्यान रखें कि कंधों को अंदर की तरफ टाइट ना करें, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए कमर से जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन के लिए पूरे शरीर को ऊपर उठाएं और एड़ियों को ज़मीन पर टिकाएं, अपनी पिंडलियों को पीछे खींचें और सिर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की तरफ ले जाएं। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ही वापस आगे लाएं। एक पाद प्रसार आसन अथवा अश्व संचालन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे पहले बताया था, पैर को ज़मीन पर पूरा टिकाते हुए गर्दन को ऊपर उठा लें अथवा इस तरह से। अब फिर से दोनों पैरों को आगे लाते हुए पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए सिर को घुटने की तरफ लगाएं। और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कमर से पीछे झुकें। और धीरे से दोनों हाथों को मिलाकर फिर से प्रणाम आसन नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। ये पूरी 12 स्थितियां मिलकर एक सूर्य नमस्कार बनता है। ऐसे हमने एक पैर से किया है और अब इसे दूसरे पैर से, जब दोनों पैरों से साथ में पूरा करते हैं तो ये पूरा एक चक्र बनता है। अब जैसे हमने अभी सीधे पैर से किया था, इसी को हम बाहिन पैर से भी करेंगे। फिर से ऐसी स्थिति में आ जाएं, प्रणाम आसन, श्वास भरें। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और कमर से जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हुए पाद हस्तासन, सिर को घुटने की तरफ लगाएं। एक पाद प्रसार आसन, अब बायां पैर पीछे ले जाएंगे श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए दंडासन अथवा पर्वतासन। अब यहाँ श्वास को रोके हुए अष्टांग नमस्कार, इसमें ध्यान रखना है कोहनियों को अपने शरीर से लगाकर ऊपर की तरफ दिशा रखना है। भुजंगासन, श्वास भरते हुए आगे से उठें, कमर से जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे पैर को ज़मीन पर टिकाएं, एड़ियों को टच करें और गर्दन को सिर को ज़मीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं। अब श्वास भरते हुए बाएं पैर को फिर आगे लाएं दोनों हाथों के बीच में और गर्दन सामने कुछ उठी हुई। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, अपने सिर को फिर से घुटने की तरफ ले जाएं और श्वास भरते हुए आगे से उठते हुए कमर से पीछे जाएं। और सामान्य रूप से श्वास भरें और प्रणाम आसन में आ जाएं। तो ये 12 स्थितियां बनकर एक सूर्य नमस्कार, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बनती है। इसे दाहिने पैर से पूरा एक चक्र और बाएं पैर से पूरा एक चक्र, दो चक्र कम से कम अवश्य करें और पूरा स्थिति बनाएं। सूर्य नमस्कार की ये एक बेसिक स्टेप्स हैं। आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार
कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसे 2 से 5 से बढ़ाते हुए 10-12 तक ले जाएं। और अगर आप इसको अपनी एक्सरसाइज के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे 25-50 तक भी बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार का ज़्यादा लाभ लेना है तो आप इसे खुली हवा में करें, सुबह के समय करें, ऑक्सीजन का ज़्यादा इनहेल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सूर्य नमस्कार को इसमें जैसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ये बिल्कुल सामान्य था, अब मैं इसमें आपको कुछ और वेरिएशंस के साथ सूर्य नमस्कार में कुछ एक्सरसाइज को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं वो अब मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगी। तो दिनचर्या में डेली आप सूर्य नमस्कार को शामिल कीजिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।